सोलन अस्पताल में अव्यवस्थाओं के आलम को लेकर आमरण अनशन पर बैठे युवाओं का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वा दिया। हालांकि आमरण अनशन पर बैठे युवकों को मनाने में मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद कहीं जाकर युवाओं का अनशन तुड़वा पाए। गौरतलब है कि सोलन अस्पताल में अव्यवस्थाओं के आलम को लेकर तीन युवा पिछले 8 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे, जिनका मंत्री डॉक्टर सहजल द्वारा शाम के समय जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया गया। तीनों युवक अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पड़े पदों को भरने सहित अन्य सुविधाओं को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। अनशन पर बैठे युवा राजीव अरोरा ने कहा कि यह जीत आम जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अस्पताल में डॉक्टरों की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि 4 दिनों के भीतर अतिरिक्त डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध न हुई तो वह दोबारा अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। मंत्री जो हमारे हैं वो सहजल जी आए थे और उन्होंने हमारा ये अनशन तुड़वाया और प्रेस के सामने उन्होंने ये भी कहा है कि हमें सिर्फ 4 महीने का समय दें और 4 महीने में जो बाकी समस्याएं हैं वो भी हम पूरी कर देंगे, क्योंकि हमने उन्हें काफी लंबे वो दिए थे कि यहाँ ये सोलन के मांगे थी कि ये समस्याएं हैं, तो उन्होंने कहा ये मांगे भी पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन तत्काल रूप से हमारी जो डॉक्टर्स की मांग थी, ताकि जो सोलन की जनता परेशान हो रही थी, लंबी लंबी लाइनों में लगती है, डॉक्टर्स मिलते नहीं है, तो लगभग 8 डॉक्टर्स तो हमें 2 दिन बाद मिल ही जाएंगे। यदि 4 दिन तक सही में यहाँ डॉक्टर नहीं पहुंचे तो हमारी ये जो एक जंग है फिर से जारी रहेगी। और मैं सभी सोलन वासियों को, स्टूडेंट्स को, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े उनको धन्यवाद भी करता हूँ और कहता हूँ कि आप सबकी ये एक जीत है। वहीं डॉक्टर राजीव सहजल ने युवाओं को आश्वासन दिया है कि बुधवार से क्षेत्रीय अस्पताल में 3 अतिरिक्त चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। यही नहीं, उनके साथ CMO सहित MSP रोगियों का चेकअप करेंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में खराब पड़ी सभी मशीनों को जल्द ही ठीक करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही सोलन अस्पताल में 10 डॉक्टरों की पूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि अस्पताल में मशीनों के ठीक होते हुए भी बाहर से टेस्ट करवाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में जो अतिरिक्त डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे उनमें डॉक्टर सुनीता सूद, डॉक्टर VK गोयल और MO कुरगल डॉक्टर VD नेगी शामिल होंगे। इनकी नियुक्ति के लिए MS सोलन कार्यालय में आदेश जारी कर दिए गए हैं। मैं इनसे इनकी जो मांगे हैं और इनकी जो चिंता है, और वो हमारी चिंता भी है, मैं इनकी चिंता से बिल्कुल सहमत हूँ। और मैंने आश्वासन इनको एक तो ये दिया है, वो भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कि तुरंत जो है वो, क्योंकि चिकित्सकों की कमी जो है वो मुख्य मुद्दा जो है वो है, और उसमें 3 चिकित्सक जो हैं उनकी व्यवस्था जो है वो तुरंत हो रही है। CMO साहब इंश्योर करेंगे कि डॉक्टर्स कल से जो है यहाँ पर OPD में बैठे। हमारे मित्रों ने ये भी ध्यान में लाया है कि यहाँ जो इक्विपमेंट हैं, कोई एक्स-रे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, या अन्य जो और भी यंत्र जो यहाँ पर लगे हैं, इनकी शिकायत ये है कि भी वो अक्सर जो है वो ऐसा कहा जाता है कि खराब है। इन इक्विपमेंट्स को ठीक रखा जाएगा, ये मैं इनको आश्वासन दे रहा हूँ। और समय समय पर ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोगों को इनकी सेवा मिल रही है नहीं मिल रही, उसकी समीक्षा मैं स्वयं किया करूंगा। बाकी 10 डॉक्टर्स की जो प्रक्रिया है उनको यहाँ भेजने की, वो प्रक्रिया जो है वो प्रोसेस में है, बहुत शीघ्र वो, और मैंने कहा है, मैंने 3.5-4 महीने का समय जो है मैंने कहा है कि इतने समय के अंदर निश्चित तौर से डॉक्टर्स जो है यहाँ पर पहुंचे। ध्यान में लाया गया है कि यहाँ कुछ ऐसा भी धंधा जो है वो है, तो मैंने तथ्य लाने के लिए भी कहा है, कोई तथ्य ऐसे हमारे पास आते हैं उसके ऊपर जांच करवाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भविष्य में अगर कोई ऐसी घटना होती है और हमारे समक्ष जो है तथ्य लाए जाते हैं, तो ये महापाप है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।